हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है बच्चे की मूवमेंट कहाँ फील होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, बच्चा पेट में है तो मूवमेंट भी पेट में होगी। बहुत बड़ा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बट क्या आप जानते हो कि लड़कों की मूवमेंट कहाँ फील होती है या लड़कियों की मूवमेंट कहाँ फील होती है। अब सारे सोचेंगे पेट में है तो पेट में, बट नहीं, सब बच्चों के एरिया जो है वे एकदम अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आपको जो है कभी पेट के ऊपर मूवमेंट फील होती है तो कभी पेट के नीचे, मतलब कभी आपकी नाभि के ऊपर आपको मूवमेंट फील होगी, कभी आपको नाभि के नीचे, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मूवमेंट है आपको वो शुरू होती है 4th से 5th मंथ में। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली आपको 5th मंथ के एंडिंग तक मूवमेंट महसूस होने लग जाएगी। वहीं आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आपको जो पहले महीना, मतलब जो जब से मूवमेंट स्टार्ट होती है 4th महीने से, तब से आपको मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये मूवमेंट कुछ इस तरह होती है कि आपके पेट में जो है बटरफ्लाई उठ रही हैं, आपको हल्का सा मरोड़ सा हो सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम जैसा भी लग सकता है। तो बहुत सारी फर्स्ट टाइम मदर्स जो होती हैं वो इस मूवमेंट में और ये प्रॉब्लम्स में कंफ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो है इजली पता नहीं लगा पाती कि क्या वो ये मूवमेंट है या क्या ये कोई और प्रॉब्लम है। बट अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आप ये चीज़ें इजली पता लगा पाओगे, इजली रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है। आपको पता है कि आपको जो है अपने बेबी की मूवमेंट कैसे महसूस होगी। बहुत सारे महिलाएं मूवमेंट बच्चे की ना होने पर डॉक्टर से मिलती हैं कि हमें मूवमेंट फील नहीं हो रही, बट आपको इतना पता लगाना है कि आपको 6 मंथ तक तो वेट करना ही है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मूवमेंट पहले स्टार्ट कर देते हैं बट कहीं लेट करते हैं। आज मूवमेंट की बात चली है तो चलो जेंडर पटिक भी कर लेते हैं। अगर आपको मूवमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाए तो आपके बेबी गर्ल होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बेबी गर्ल जो होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय। बेबी बॉय आपके बहुत लेट मूवमेंट करते हैं। आपको मे भी हो सकता है कि 6 मंथ स्टार्ट होकर भी 15 दिन बीत जाए तब भी आपको थोड़ी महसूस ना हो, बट अगर आपकी बेबी गर्ल होगी तो आपको इतनी हैवली मूवमेंट जो है 4 to 5 मंथ में स्टार्ट हो जाएगी कि आपको पहले पता लग जाएगा कि बच्चा जो है मूवमेंट करने लग गया है। बट ये बात आपको जो है लड़कों के टाइम में थोड़ी सी लेट हो जाएगी। अगर मूवमेंट कहाँ होती है, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था, तो देखो मूवमेंट आपको नाभि के ऊपर तब होती है जब आपने लड़की कंसीव कर रखी होती है, और नाभि के नीचे तब होती है जब आपने बॉय कंसीव कर रखा होता है। मेन इसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं वो पेट के अपरी पार्ट पर ज़्यादा रहती है, अपर पार्ट पर आपको ज़्यादा नज़र आएगी। वही बेबी बॉय जो होता है वो हाई स्टमक, लो स्टमक हमने कैरी कर रखे होते हैं, नाभि के नीचे बच्चा कैरी होता है वहीं पे वो ज़्यादातर भरता है, और पेट के जो चेस्ट के नीचे वाला पार्ट है आपको खाली खाली नज़र आता है। वो इसलिए ही आता है क्योंकि जब बच्चा वहाँ है नहीं तो मूवमेंट भी ऑब्वियसली बात है नीचे ही होगी। तो अगर आपको मूवमेंट जो है लेट स्टार्ट हुई है और साथ में ही आपको नाभि के नीचे मूवमेंट हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए आपने बॉय कंसीव किया है। वहीं अगर आपको नाभि के ऊपर मूवमेंट महसूस हो रही है और आपकी जो मूवमेंट है बहुत जल्दी शुरू हो गई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। आपको दोनों सिचुएशन में खुश रहना है, आपने बेबी बॉय को किया हो या बेबी गर्ल को किया हो, बट आप ये प्रेयर करो कि आपको जो बेबी है एकदम हेल्थ हो, आप भी ठीक रहो और आपका बच्चा भी ठीक रहे। चलिए आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।